नमस्कार, आप देख रहे हैं JTN न्यूज़ इंडिया। और आज के इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं चास के SDM श्री दिलीप प्रताप सिंह शेखावत। सिंह साहब, सबसे पहले तो स्वागत है आपका JTN न्यूज़ इंडिया। थैंक यू। और अभी आपने चार्ज संभाला है और मैं उम्मीद कर रहा हूँ, और जो बुखारो के जो मीडिया जगत है वह ये उम्मीद करके चल रही है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप लोगों ने देखा है, परखा है, और हम ये मानकर चल रहे हैं कि आप अपडेट हैं इस पूरे मामले पर। कोविड को लेकर के जो थर्ड वेव को लेकर के जो संभावनाएं जताई जा रही थी, वैसा अभी बोकारो के अंदर कोई ट्रेंड नहीं है। जो हम लोगों ने बोकारो के अंदर एक समय देखा था कि वो 4,700 से ऊपर केसेस एक्टिव थे, आज 2 या 3 केसेस एक्टिव हैं यहाँ पर। आपको लगता है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है बोकारो के अंदर, वो कोविड कंट्रोल करने में या जो लोगों की जो इम्यूनिटी है या दोनों को मिला करके कोविड को कंट्रोल करने में मदद मिला है? हम लोगों ने ये देखा था कि किस तरीके से एकदम से सेकेंड वेव ने हर जगह त्राही त्राही कर दिया था। तो उससे हमें जो 2 इम्पॉर्टेंट लेसन्स मिले, उसमें पहला ये था कि हम लोग रैपिडली वैक्सीनेशन करें। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि बोकारो शहर में बहुत रैपिडली हम लोग वैक्सीनेट कर रहे हैं, बहुत कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन। इतना वैक्सीनेशन का यहाँ पर हमारा स्पीड है कि वैक्सीन शॉर्टेज हो रहा है, तो वैक्सीनेशन एडिक्वेटली हम कर रहे हैं। सेकेंड चीज़ ये है कि हम लोगों का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी हम लोगों ने दुरुस्त किया। एक RT-PCR लैब जो है वो अगले 10 दिन के अंदर यहाँ पे ओपन हो जाएगा। PSA प्लांट जो है, जो सदर अस्पताल में 1,000 LPM का और 1,500 LPM का, ये ऑलमोस्ट तैयार है। अगले 10 दिनों के अंदर ये रेडी होकर एकदम तैयार हो जाएगा ऑक्सीजन देने के लिए। तो हमारा सदर अस्पताल जो है वो सेल्फ सफिशियंट हो जाएगा। BGH भी हमारा सेल्फ सफिशियंट है। तो यहाँ पे आसपास के ज़िलों को भी केटर करने के लिए हमारे पास में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। और भी ब्लॉक्स में हम लोग PSA प्लांट पे काम कर रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग अगले 1 महीने के अंदर इसको पूरा कर पाएंगे। सिख साहब, जो मोर्टेलिटी का जो फिगर है बोकारो के अंदर वो 287 का है, अब तक के जो कोविड को लेकर के जो मोर्टेलिटी है वो 287 का है। आपको लगता है कि ये जो फिगर है, अनफॉर्चुनेट तो खैर है, लेकिन ये लग रहा है कि मतलब ये कहीं ना कहीं जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है उसको अपडेट करता है या उस चीज़ को ये सर्टिफाई करता है कि बोकारो फाइट बैक करने का कैपेसिटी रखता है कोविड को? बोकारो बिल्कुल फाइट बैक करने का कैपेसिटी रखता है। देखिए, कोविड की जहाँ तक बात है तो कोविड डिजीज़ के ऊपर आज भी कोई एकदम 100% श्योर नहीं है कि ये वायरस किस तरीके से बिहेव करेगा। सेकेंड वेव के अंदर भी हमने देखा कि बहुत सारे केसेस के अंदर बहुत अलग अलग तरह के इफेक्ट्स दिखाई दिए, तो ये हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। हम लोग बस इतना काम कर सकते हैं, हम लोग अपनी तैयारी रखें। तो आज भी जैसे कि कोविड के केसेस कम होने के बाद भी जिला प्रशासन जो है वो पूरा तैयार है। हम लोग PSA प्लांट पे ऑक्सीजन के लिए काम कर रहे हैं, और हम लोग ये भी इंश्योर कर रहे हैं कि कोविड की जो भी गाइडलाइन स्टेट इशू करता है तो हम लोग हर किसी को ये सूचित करें। और हम लोगों ने हर जगह, जैसे हमारे बैंकेट हॉल्स हैं, स्कूल्स हैं जो खुले हैं, हर जगह मैंने अपने स्तर से सबको सर्कुलर भेजा है कि आप लोग कड़ाई से इसका पालन कीजिए, कोविड गाइडलाइन, नहीं तो फिर हम लोग इसके अंदर एक्शन लेंगे। सिख साहब, कोरोना काल एक ऐसा पीरियड रहा है जहां लोगों के रोज़गार छिन गए, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनका जो लाइवलीहुड है वो प्रभावित हुआ है, जो सेटल्ड थे जॉब में वो अनसेटल्ड हो गए। ऐसे में एक और समस्या है बोकारो में विस्थापितों की, अभी बीच में जो हेजिटेशन हुआ था आपने मीडिएट किया है उस पूरे मामले पर, जो डिस्प्लेस अप्रेंटिस हैं यहाँ पर, उनका जो समस्या बोकारो स्टील के साथ लंबित है, आप मीडिएट कर रहे हैं उस पूरे मामले पर, अब तक क्या डेवलपमेंट है इस मामले को लेकर? जो विस्थापितों को लेकर जो यहाँ पे इशू है वो आज का नहीं, वो बहुत पहले का इशू है, और वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स इशू भी है। तो जो मेरा यहाँ पे पोस्टिंग होने के बाद 1 महीने के अंदर जितना मैंने चीज़ों को समझा है, तो मुझे ये चीज़ फील हुई है कि इसमें अननेसेसरी इशूज़ पे हम लोग डीले नहीं करना चाहिए। और जो लोग, जो जेन्युइन उनकी डिमांड्स हैं, जो हम लोग रूल्स के बाउंडेशन में और जो हमारा BSL का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो हमारा दायरा है, उसमें रहकर कुछ सोल्यूशन निकाल पाएँ, इसकी दिशा में हम लोगों को काम करना है। और जो हमारी बैठक हुई थी वो काफ़ी सक्सेसफुल थी। सक्सेसफुल इस वजह से बिकॉज हम लोगों ने बहुत सटीक बातें की थी। आज तक यहाँ पे लगभग 40 के लगभग यूनियन हैं, और आज भी वो लोग मुझसे मिलने आते हैं, तो फिर मुझे यही आश्चर्य होता है कि अभी तक इतने साल हो गए BSL को यहाँ स्थापित हुए हुए, लेकिन यहाँ पे अभी तक इतने सारे जो इश्यूज़ हैं वो अभी भी अनरिजॉल्व्ड हैं। तो हम कोशिश यही करेंगे कि जहाँ हमको सोल्यूशन मिल पाएगा वहाँ हम लोग सोल्यूशन के। सिख साहब, आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं, आपको लग रहा है कि जो प्रॉब्लम्स हैं उनको रिजॉल्व करने को लेकर के जो मैनेजमेंट स्तर पर जो अप्रोच होना चाहिए था, आपको लग रहा है कहीं ना कहीं ये मामला नेग्लिजेंसी का भी है क्या?
देखिए उस पर मैं कमेंट नहीं करूँगा। बेसिकली देखिए ये जो हमारी यूनियंस हैं, जो डिस्प्लेस लोगों की यूनियंस हैं और BSL का बीच का मामला है, मेरा प्रयास यही रहता है कि जो फालतू के इश्यूज़ हैं जिनसे किसी भी पक्ष को कोई फ़ायदा नहीं, जिससे हमारे जो डिस्प्लेस्ड यूनियन पीपल हैं उनको कोई फ़ायदा नहीं है, तो हम यही चाहते हैं कि जहां हम लोग ब्रेक थ्रू ला सकते हैं, चाहे CSR के थ्रू हो, चाहे उनके एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी के थ्रू हो, चाहे कॉन्ट्रैक्चुअल वर्क जो वो लोग देते हैं उसके थ्रू हो, हम लोग जहाँ पर ब्रेक थ्रू ला सकते हैं हम लोग उसमें प्रयास कर रहे हैं। और वहाँ अगर BSL का एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अगर कोई लापरवाही होगी तो उसके अंदर मैं उसको अच्छे से डील करूँगा। सिंह साहब, चूँकि 1500 बच्चे हैं जिनको फेज़ वाइज ये ट्रेन कर रहे हैं, तो सीधी नियुक्ति जो बोकारो स्टील के जो ऑफिसर्स हैं वो उसे डिनाई करते हैं और बच्चे क्लेम करते हैं कि वो सीधा नियुक्ति ही मिलना चाहिए, तो ऐसे हालत में इसका शॉर्टेस्ट वे आउट क्या हो सकता है? शॉर्टेस्ट सी इसमें वे आउट ये हमने मीटिंग में डिस्कस किया था। देखिए इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है ये है कि जो BSL ने अप्रेंटिसशिप ऑफ़र की थी तो उस समय, क्योंकि ये देखो इशू आज का नहीं है, ये बहुत पहले का, तो हो सकता है कि उन्होंने आश्वासन दिया हो किसी ऑफिशियल ने, बट अभी वो उस चीज़ से डिनाई करते हैं। तो हमारा यही प्रयास है कि जो बच्चे स्किल्ड हुए हैं, जिनके पास में वो तकनीकी शिक्षा आई है, जिनके पास में वो हुनर आया, दक्षता आ गई, जो हुनर में दक्षता आई है, तो मैं चाहता हूँ कि उनका ह्यूमन रिसोर्स वेस्ट ना हो, उनको जहाँ हम लोग अपॉर्चुनिटी दे सकें या फिर वो खुद अपने लिए अपॉर्चुनिटी बनाए उस पर हम लोग काम करने का प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे कि उन लोग को हम लोग और ज़्यादा डिले ना हो, क्योंकि समय के साथ साथ बहुत लोगों की उम्र भी पार हो रही है। ठीक इश्यू तो है सिंह साहब, मैं एक बोकारो के जो लोग हैं वो एक समस्या से भी जूझ रहे हैं। जब से ये 4 लेन बना है तब से एक्सीडेंट्स की जो संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इसको लेकर के 2 बातें हैं कि कुछ एरिया जो NH का है वो पड़ रहा है आपके नगर निगम क्षेत्र में और कुछ एरिया है जो बोकारो स्टील के क्षेत्र में पड़ रहा है, प्रॉपर लाइटिंग नहीं है वहाँ पे, और अगल बगल के जो इलाके हैं वहाँ पे खटाल बसे हुए हैं, जो आवारा पशु हैं या जो खटाल वालों के जो पशु हैं वो रोड पे आ जाते हैं, और चूंकि उस रोड पे गाड़ियाँ स्पीड में होती हैं 70-80-90-100 का स्पीड होता है और एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो ऐसे में इन खटालों को कंट्रोल करने के लिए क्या कोई डायरेक्टिव आप लेने जा रहे हैं या क्या कुछ करने जा रहे हैं, क्योंकि लोग परेशान हैं? देखिए जो मैंने यहाँ पहले मीटिंग किया था तो उसके अंदर बहुत ही क्लियरली मैंने सबको, थाना प्रभारी को और जितने हमारे ऑफिशियल्स हैं उनको सबको मैंने बहुत स्ट्रिक्ट डायरेक्शन दे दिया था कि सरकारी ज़मीन पे, गैर मजदूरों ज़मीन पे किसी भी प्रकार का कोई अतिक्रमण बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। और देखिए क्योंकि बहुत पहले से यहाँ पे जो लोग हैं बसे हुए, तो बहुत सारे एंगल्स को देखना पड़ता है, बहुत लोगों का लाइवलीहुड जुड़ा होता है, लेकिन हम लोगों ने डायरेक्टिव ये निकाला। मैं ये बात कर रहा हूँ सिर्फ 4 लेन के किनारे, क्योंकि सिर्फ जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं उनको मिनिमाइज किया जाए, शहर के भीतर जो लोग बसे हुए हैं मैं उनकी बात फिलहाल नहीं कर रहा हूँ। नहीं उसके लिए भी मैं आपको बता रहा हूँ ना, उसके लिए भी हम लोगों ने जैसे यहाँ पे बारी कोऑपरेटिव के पास में एक बहुत ही भयंकर एक्सीडेंट हुआ था जिसमें 2 लोगों की कैजुअल्टी हुई थी, तो मैं स्पॉट पर गया था वहाँ पर, और वहाँ पर जाने के बाद में हम लोगों ने वहाँ पर NHAI को समन करके वहाँ पर स्पीड ब्रेकर, हाई मास्क लाइट, रंबल स्टिक्स, ये सब हमने सेफ्टी मेजर्स उनको ऑलरेडी डायरेक्शन दे दिया, काम भी उसमें चालू हो गया। तो वही एरिया नहीं, मैंने NHAI को ये भी निर्देश दिया है कि और भी ऐसे जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं जहाँ पे एक्सीडेंट की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो वहाँ पे एटलीस्ट लाइटिंग अच्छी हो, स्पीड ब्रेकर्स हो, ताकि एटलीस्ट वो व्हीकल आते आते थोड़ा स्लो हो जाए, थोड़ा स्लो डाउन हो जाए और कम से कम वो कंट्रोल हो जाए। और अगर और वहाँ पर जो भी अवैध अतिक्रमण है तो CO से मैंने रिपोर्ट मांगा है, तो जो हाईवे के बगल में जो भीड़ भाड़ होती है जिस वजह से अगर वहाँ पे अवैध अतिक्रमण है तो फिर उसको भी हटाने के लिए हम लोग करेंगे, बस CO के रिपोर्ट का हम लोग वेट कर रहे हैं। NH पे जो 2.5 किलोमीटर का जो एरिया है वो बोकारो स्टील का जुरिडिक्शन है और अतिक्रमण बोकारो स्टील के लिए एक ऐसा नासूर बन गया जिसकी समस्या का समाधान बोकारो स्टील के पास भी नहीं है। ऐसे हालात पे जिला प्रशासन की तरफ लोग नज़र दौड़ाते हैं कि अगर आपका डायरेक्टिव अगर आ जाए या DC साहब का डायरेक्टिव अगर आ जाए उस अतिक्रमण को, खास अतिक्रमण को हटाने के लिए, मैं उनके रोजगार के खिलाफ नहीं हूँ, उनका लाइवलीहुड का भी मामला है, सिर्फ NH के किनारे जो हेजिटेशन पैदा हो रहा है हमारा पशुओं के कारण, सिर्फ उसको कंट्रोल करने के लिए क्या कोई स्पेशल ऑर्डर बोकारो स्टील को दिया जा सकता है क्या? नहीं इसके अंदर देखिए जहाँ तक अतिक्रमण का मामला है उसके अंदर हम लोग की एक प्रक्रिया होती है जिसे हमें पूरा करना होता है। सबसे पहले तो CO का रिपोर्ट होता है जो कि इस चीज़ को वेरीफाई करता है कि वो जो लोग हैं वहाँ पे काबिज़ हैं, वो उनकी रैयती भूमि नहीं है, वो गैर मजदूरा ज़मीन है,
एक बार रिपोर्ट मिलने के बाद हम लोग फिर इनको नोटिस करते हैं, उसके बाद में जो है अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई होती है। तो खास करके ये जो एरियाज जो आपके जिनकी बात करें जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं उन पर हमारी प्रायोरिटी रहेगी कि जैसे हम लोग को मिलता है तो उपायुक्त महोदय के निर्देश पर हम लोग उन एरियाज को खाली करेंगे ताकि वहाँ पर जो ट्रैफिक का फ्लो है वो अनइंटरप्टेड हो और एक्सीडेंट्स ना। सिंह साहब, मैं एक गंभीर मामला उठाने जा रहा हूँ, है करप्शन को लेकर के। जब हम लोग स्टूडेंट लाइफ में थे और जब साइंस में पढ़ते थे पीसी कल्चर, तो पढ़ाया जाता था कि कल्टीवेशन ऑफ फिश इज नोन एज पीसी कल्चर, लेकिन यहाँ पे जो परसेंटेज कल्चर है जो गवर्नमेंट डेवलपमेंट स्कीम्स हैं तो उसके अंदर जो ये परसेंटेज कल्चर आ गया है उसको कैसे रेडिकेट करेंगे और हर एक डिपार्टमेंट में ये चीज़ है। हमको लग रहा है कि ये वर्क कल्चर हो गया अब लोगों का, हर स्कीम में भ्रष्टाचार है। देखिए यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी। हमें हमेशा से ये चीज़ दिमाग में रखनी चाहिए कि हमारे पास अगर लोग मीडिया जो कॉमन मैन है उसके पास रियलाइज़ हो जाएगा कि मेरे पास जो पावर्स है उनको राइटली यूज़ करना है, तो मुझे लगता है इससे ऊपर काफ़ी हद तक अंकुश लगे। तो जहाँ पर भी आप इस तरह का चीज़ देखते हैं, अगर वहाँ पर आप RTI के माध्यम से, चाहे आप वहाँ पे गुप्त सूचना के माध्यम से अगर आप उस चीज़ को हाईलाइट करते हैं तो वो चीज़ उजागर भी होती है। हम लोग अखबारों में भी देखते हैं कि किस तरीके से अगर कहीं करप्शन हुआ है तो उसकी न्यूज़ अखबार में आती है, फिर उसके ऊपर जांच होती है। लेकिन देखिए ये सिस्टम जो है ये सोसाइटी से जुड़ा हुआ भी, तो अल्टीमेटली वही सोसाइटी जो है वही डिपार्टमेंट्स में आती है वही चीज़। तो अल्टीमेटली ये कल्चर को जब तक हम लोग नहीं चेंज करेंगे तब तक मुझे लगता है कि हम लोग इस चीज़ को इरेडिकेट नहीं करते। क्योंकि कोई भी जब स्कीम बनता है तो उसके अंदर जो ये कॉन्ट्रैक्टरली जो बेनिफिट है वो 10% जोड़ करके DPR फाइनल किया जाता है। ऐसे हालत में 22% 21% का परसेंटेज दे देना, नहीं लगता है कि जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो भी दबाव में है और जो काम उनके पास है वो सब स्टैंडर्ड या चीप काम हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं नेशन को एज अ होल नुकसान तो हो रहा है। नहीं, उसमें तो हो ही रहा है ऑब्वियसली। आप देखो अगर इस तरह का चीज़ हो रहा है तो इसमें नुकसान तो ही है। खास करके अभी जो मेरा पद है SDM का, जो मेरा पद है उसके अंदर हम लोग इस चीज़ पे डील नहीं करते, तो उस पर कमेंट करना भी उचित नहीं है। लेकिन अगर इस तरह का चीज़ अगर कहीं पे होता है प्रैक्टिस तो उसको उजागर करना चाहिए, उसको बाहर लेके आना चाहिए ताकि जो दोषी है उनको सजा। सिंह साहब, हमारे चंदन कैरी इलाके में बहुत सारे ऐसे कोल ब्लॉक्स हैं जहाँ से इलीगल कोल ट्रैफिकिंग हो रही है, इसको मान के चल सकते हैं कि ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, तो आपको लग रहा है कि जो एंटी सोशल एलिमेंट्स है या कहीं कहीं जो पॉलिटिकल नेक्सस हैं लोगों के वो इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व होता है और जो होने के बाद वो जो नियर बाई थाना है या जो बहुत सारे एंटी सोशल एलिमेंट्स है वो इसके अंदर इन्वॉल्व होकर के गड़बड़ी पैदा करते हैं इलीगल कोल की, मैं बात कर रहा हूँ चंदन कैरी इलाके में। देखिए ये चीज़ मेरे संज्ञान में, जैसे आपने बताया है तो इसको मैंने अपने मतलब अब इस पर मैं काम करूँगा। अगर आपने सूचना दी है तो मुझे एक लेवल वेरीफाई करना पड़ेगा, चाहे अपने लेवल से मैं करूं, तो उसमें अगर जो देखिए हमारा सिंपल सा जो है वो ये है कि जो मेरा ज्यूरिसडिक्शन है वहाँ पे अगर इस तरह का कोई काम हो रहा है तो सबसे पहले तो सूचना, और सूचना के बाद उस चीज़ की जांच कि उसमें एक्चुअल में स्टेटस क्या है, क्या वो सही में लीगल है इलीगल है, क्या पैरामीटर है, फिर उसके बाद में हम लोग उस पर एक्शन लेते हैं। तो अगर इस तरह की सूचना है तो उस पर हम लोग वर्क करेंगे। इसी तरह का एक और मामला है वो है जो अवैध बालू का जो खनन हो रहा है और जो ट्रैफिकिंग हो रहा है, इसमें एक सिस्टम लैप्सेस भी ये है कि जो बालूघाट का बंदोबस्त किया गया है वो प्रॉपर नहीं हुआ है, जहाँ होना चाहिए था वहीं वहाँ नहीं। ये जो इशू है, मेरा जो पहले जिला था पलामू उसके अंदर भी ये इशू था और मैंने कार्रवाई भी वहाँ किया था। लेकिन देखिए ये एक दो तरह की चीज़ है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि अब जैसे जो लोकल बालूघाट पे जो लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स काम करते हैं वो बहुत बड़े लेवल के कॉन्ट्रैक्टर नहीं होते हैं, तो यहाँ पे हमने ये फार्मूला ईजाद किया था कि उनको हम छोटे बालूघाट जो थे उनका हम लोग सर्वे करा के जो DSR में इंक्लूड करके उसको पंचायत से हम लोग बांध देते हैं। तो जो भी हाँ अपना पंचायत को रसीद काट के वो निकलता था ताकि प्रधानमंत्री आवास योजना और जो भी घरेलू निर्माण के तो उसके अंदर बालू की कम से कम आपूर्ति हो जाए, तो ये हम लोग ने वहाँ किया था। यहाँ पे भी हम लोग इस तरह का काम करेंगे। अभी DC सर ने खनन विभाग की बैठक भी ली थी, तो उसके अंदर भी उन्होंने इस चीज़ को जिक्र किया। सिंह साहब, उनको वाइंड अप भी करना, मैं आखिरी सवाल ले रहा हूँ, वो ये है कि शहर के बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं या जो बहुत सारे ऐसे गार्जियन भी हैं और जो कॉमन पीपल है वो स्कूलों की तरफ अभी देख रहे हैं आपके माध्यम से, वो स्कूलों की तरफ देखेंगे कि जो स्कूल लाइफ है उनका कब तक नॉर्मल होगा और जो स्थिति है बोकारो का वो कह सकते हैं कि ये अंडर कंट्रोल है। ऐसे हालत में गाइडलाइन तो सरकार की तरफ से आ गया है, लेकिन लोग ये मानकर चल रहे हैं कि पहले कौन पहले कौन, तो आप
एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं, ऐसे लोगों को, ऐसे बच्चों को आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि स्कूल खुलने के बाद उनका पहला रिएक्शन या पहला एक्शन क्या है? कोविड के बाद से ऑब्वियसली जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हुई वो स्कूल और कॉलेज लाइफ हुई, और इस चीज़ को मैं फील कर सकता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ जब मैंने अपनी स्कूल छोड़ी थी और जब मैंने अपने कॉलेज छोड़ा था। लेकिन उन लोगों को मैं यही बताना चाहता हूँ कि जो भी आप ऑनलाइन क्लासेस भी जिस तरीके से कर रहे हैं, जब भी आपको स्कूल में आने का मौका भी मिलता है तो ट्राई टू मेक द मोस्ट ऑफ इट। आप लोगों के पास में क्योंकि आप यंग होते हैं तो फिर यंग होते हैं तो आपकी एस्पिरेशन से कोई लिमिटेशन नहीं होती है, तो उसके अंदर यू कैन यूटिलाइज योर पोटेंशियल एंड अचीव बिग थिंग्स इन लाइफ। तो मैं सभी को यही बोलूँगा कि अपॉर्चुनिटी जो भी मिलेगी उनको पहली जब वो स्कूल्स के अंदर आएंगे, हिट्स द बुल्स आई। आपको जिस एरिया के अंदर अपना नाम करना है उसी के अंदर आप मेहनत करिए, आगे बढ़िए और राज्य का और देश का नाम रोशन करें। सिंह साहब, अपने वक्त निकाला JTN न्यूज इंडिया से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ये थे बोकारो के चास के SDM दिलीप प्रताप सिंह शेखावत। अगली कड़ी में हम एक और मेहमान से आपकी मुलाकात करवाएंगे, और तब तक के लिए नमस्कार।